Hi, good morning. I have been obsessed with watching Flying Beast. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उनका चैनल, which is why I decided to vlog today. Like Gaurav, Ritu, Rashi and the rest of the family is my inspiration to vlog today because their vlogs have been giving me so much positivity. तो चलो उठते हैं. सबसे पहली चीज़ मुझे नहाने जाना है बिकॉज मैं कल पूरा दिन नहीं नहाई हूँ एंड आई जस्ट फील डर्टी विदाउट लाइक ईटिंग एनीथिंग और इवन डूइंग माई मॉर्निंग रूटीन. आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ बाथ टुडे. आई सी यू आफ्टर दिस. शावर ले लिया गया है एंड दीज काइंड ऑफ शावर्स आर द एब्सोल्यूट बेस्ट बिकॉज आज हमने बाल धोए वेरी एविडेंटली एंड आज मैंने बॉडी स्क्रब भी किया, आज फेस स्क्रब भी किया. आई एक्चुअली यूज वो पामर्स वाला जो मैं कान के लिए नहीं यूज करती, आज पूरे फेस पे यूज किया एंड इट वॉज एक्चुअली नॉट बैड, इट वॉज क्वाइट डिसेंट. एंड हाउ आई ड्राई माई हेयर इज आई शो यू. फैन को फुल स्पीड पे चालू करके एग्जैक्टली फैन के नीचे बैठना है. दिस वे माई हेयर ड्राइज अ लॉट फास्टर without using any heat or any damaging tools. फिर उधर पंखे के नीचे बैठ के moisturize कर लेना है. Two things done together. आज हम ये वाला use कर रहे हैं Club Ryan एंड ये काफ़ी अच्छा है but इसका जो जोड़ीदार दोस्त था जो था body wash वो हमारे पापा जी ने kidnap कर लिया है. पैर पे थोड़े थोड़े बाल आने शुरू हो गए हैं but are we gonna shave right now? Heck no! बाल बाल धोने के बाद रैंडम बाल रह ही जाता है सब जगह. लाइक इवन दो आई लाइक शेविंग बट आई डोंट लाइक डूइंग इट वेरी ऑफन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ शार्प ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द स्किन ना, तो आई एम नॉट डैमेजिंग माय स्किन. हेलो, आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स बाय द वे. ऑल दोज अश्लील ख्याल वाले लोग जिनको लगता है हम एवे व्लॉग करते हैं, नो, वी वेयर शॉर्ट्स इन दिस हाउस ऑन मोस्ट डेज. मेहमान आते तभी फुल पैंट पहननी पड़ती है. जैसे कल एक आ गए थे अंकल मदर्स डे विश करने के लिए, तो हमें भागना पड़ा हमारे रूम के तरफ बिकॉज हम तो ऐवे बैठे थे शॉर्ट्स में. पैर के नाखून तो देखो, आई हाय इफ माय मॉम सीज दिस शी विल कॉल मी डायन अगेन. अभी तो इतनी तेज भूख लगी है, इतनी तेज भूख लगी है कि आई नीड टू गो एंड ईट लंच. लेट्स सी व्हाट्स फॉर लंच. हाय, क्या बनाया जा रहा है? केरी नुशाक. केरी नुशाक मतलब कैरी का सब्जी. कच्चा केरी. कच्चा केरी. एंड बाकी आज है तूरिया काकड़ी का सब्जी, सो हेल्दी. फिर है दाल, बहुत सारी अच्छी अच्छी दाल, और है चावल. इसमें क्या है? ओ ये मामला की दाल. आई डोंट लाइक ऑल द वघार इन दाल, तो मेरे लिए सारी दाल साइड पे है. एंड माय फेवरेट कच्चा कैरी. दिस इज हैप्पीनेस एंड बूस्टेड इम्यूनिटी इन वन प्लेट. इतना हेल्दी खाना. दिस है मूंग दाल के चिल्ले जो एक्चुअली कल रात के बचे हुए हैं, बट आई ईट ऐसा एक दिन पुराना खाना. एंड आई एम वॉचिंग समथिंग ऑन द लैपटॉप बिकॉज मॉम एंड डैड आर वॉचिंग अ मराठी मूवी जो उन्होंने पहले से स्टार्ट की हुई है, तो आई डोंट वॉन्ट टू जंप इन फ्रॉम द मिडल, तो इसलिए मैं रूम में बैठ के आराम से अपना खाना खाऊंगी. एंड आई विल सी यू आफ्टर द लंच. हेलो रिमोना, I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite. क्या चैनल है यार. I mean, चलो, I'll give you 5 seconds to guess what I was watching while eating lunch. Flying Beast. Like literally, उठके the first thing I said was I am obsessed with Flying Beast. क्या वीडियोस है यार. हाउ एम आई सो लेट टू वॉचिंग दिस. लेट मी नो इफ यू वॉच देम टू. हा, देर सो अमेजिंग. नाउ आई वॉन्ट टू वॉच द वन वेयर रितु बिकम्स द कैप्टन, वेयर शी गेट्स हर फोर्थ स्ट्राइक. यू नो व्हाट इज सुपर अनोइंग, फर्स्टली दिस ग्लेयर ऑन माई स्पेक्टिकल्स, लाइक वॉट इज दिस, यू कांट इवन सी माई नॉर्मल आइज. सेकेंड अनोइंग थिंग इज जब आप मस्त लॉन्ग फोन कॉल के लिए ईयरफोन्स वगैरह पहनते हो, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि अच्छा अभी आधा एक घंटा कॉल पे जाने वाला है, एंड देन दे गेट ओवर इन 2 मिनट्स. तो नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम, आई विल शो यू द हाल ऑफ माई रूम. या इट्स क्वाइट मेसी.
बिकॉज आज हमने मॉर्निंग रूटीन तो किया नहीं, तो रूम साफ हुआ नहीं, एंड आई डू इट अभी सिंस वी हैव एक्स्ट्रा टाइम ऑन आवर हैंड्स. 2 घंटे हो गए नहा के, अभी तक मेरे बाल नहीं सूखते. दैट्स वन रीजन व्हाई आई डोंट लाइक ग्रोइंग माय हेयर. कि ब्रो ब्रो जल्दी सूख जाओ. ठीक है चलो, आई क्लीन माय रूम. आप देखो मुझे रूम साफ करते हुए. क्या जबरदस्त गिरा मेरा फोन अभी, सो हार्ड के इतना जोर से आवाज आया कि अगर आई वुड हैव हर्ड दिस नॉइज एंड नॉट नोन व्हाट हैपेंड आई वुड हैव बीन स्केयर्ड. डन, इंसान के ना 2 मूड होता है, एक करना है बाद में कर लेंगे, और दूसरा करना है कर लिया. टुडे आई एम इन द सेकंड मूड कि बाथरूम साफ करना था मुझे एक हफ्ते से, एंड नहाते वक्त मैंने जो भी, सो बेसिकली व्हेन आई टेक अ शावर उसके नीचे बाल्टी पड़ी रहती है, तो जो भी ऐसा गंदा पानी रहता है वो बाल्टी में गिरता ही है. तो आई यूज दैट वाटर एंड जस्ट पुल्ड ऑल ओवर माय बाथरूम एंड सारी गंद चली गई. इट वॉज दैट सिंपल. एंड रूम साफ करना था तो बस उठ के कर लिया, भले ही उसमें फोन करने के डिस्ट्रैक्शन हुए बट हो गया. तो आई एम इन द नॉन प्रोक्रास्टिनेशन वाला मूड टुडे. लाइक अभी द नेक्स्ट थिंग ऑन आवर चार्ट इज टू फिनिश ऑल द लैपटॉप ही वर्क, ऑल ऑफ इट. आई हैव टू एडिट 1 वीडियो. इट्स अ स्टोरी टाइम. इट इज द स्टोरी टाइम दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, द वन व्हेयर आई वाज टेकन टू द प्रिंसिपल व्हेयर इट वाज नॉट इवन माय मिस्टेक. तो वो स्टोरी टाइम वीडियो एडिट करना है. इट माइट बी गोइंग अप टुडे और टुमोरो, बट आई होप इट गोज, लाइक आई होप इट गेट्स अप्रूव टुडे. इट हैज माय फर्स्ट ब्रांडी फ्रॉम द लॉकडाउन, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट टू शेयर इट विथ यू. तो हाँ, वो अप्रूवल के लिए थोड़ा सा टेम लगता है, थोड़ा सा टेम. जेली जेली, वाह. बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से उठने का. जस्ट वॉन्ट टू वॉच व्लॉग्स ऑल डे लॉन्ग, बट काम तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चलता है. क्वाइट अ मेस यार, जिस दिन से डीआईवाई शूट करा है सारा सामान यहाँ पे ही पड़ा है, नीड टू क्लीन इट. बट अभी के लिए बस जो अर्जेंट वाले काम है वो कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन आर वेटिंग. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. It's the way you cross the floor before you head on out the door. My mom just showed me something so bad. तो अगर आपको फंगस वाली चीज़ों से डर लगता है या उल्टी आती है तो 20 सेकेंड के लिए वीडियो स्किप कर दे. That's a disclaimer. I'm gonna show you this tomato. उस पर कितनी सारी फंगस चढ़ गई. यू नो वॉट द सरप्राइजिंग पार्ट इज, हमने ये सिर्फ परसों लिए थे. परसों लिए हुए टमाटर सड़ गए. दैट्स द क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स वी आर गेटिंग नाउ फ्रॉम द लोकल मार्केट. सिर्फ ये एक को फेंकने वाले हो कि सब फेंक दोगे? जितने खड़े बाकी के 2 को रोक दूंगी. बताओ तो जरा उठा के. ओ गॉड, ओ गॉड, चीज. गंदी बात आ रही थी एज इफ चूहा मर गया हो. आई हैव कम टू माय बालकनी टू टेक सम फ्रेश एयर. एडिटिंग टेबल पे आई हैव बीन सिटिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. And so many things have gone wrong today and are continuing to go in terms of editing. As I told you, my mom launched her online wellness program and we are in it together. Like actually we've launched it together. Creatively we decide the concepts together. She makes the whole workout. She teaches the whole session because she's an amazing teacher. I like, if I can become even 10% of how good her teacher she is, I would be really blessed. But like,
I handled the shooting and editing part, and shooting and editing was frustrating even for my own channel. Like, I don't like that genre of work, but unfortunately right now aur koi possibility bhi nahi hai ki koi aur kare. So some mistakes happened on her end. I was just so angry. I almost made her cry. That's how mean I was right now. So we sorted it out. Like, we found a middle solution. But I don't know how parents do this. Like, just because she didn't know what I had told her to do and the whole video got so messed up, I got so angry at her. But I can remember so many times ki when I was a kid and my parents had told me, beta wo mat karna, and I have done that. But they wouldn't get so angry. So I don't know how parents have that kind of patience with their children to not yell at them so much, even if they do something that they specifically told their child not to do. That's something. So bas idhar thoda baith ke main mere dadaji ko phone karungi. Unse baat karna hai. कुमार से बात करना है. ठीक है यार, थिंक सबके लाइफ में ऐसे सेटबैक्स आते ही होंगे. किसी का काम एकदम 100% स्मूथ होता है नहीं. या तो आपके ऊपर वाले आप पे चलाता है, या तो आपके नीचे वाले बराबर काम नहीं करते तो आपको उन पे चलाना पड़ता है. सो इट्स ऑलवेज अप एंड डाउन थिंग. ऑल्सो विद दिस वियर्ड एस फीलिंग दैट why do you watch me? Like, this whole video is so random. It's not shot on a very expensive camera. It's shot on a phone which I've dropped so many times today. So why would anyone watch me? ना मैं कुछ fashion tips दे रही हूँ, ना मैं makeup सिखा रही हूँ. And that's the kind of pressure I get so many times when I'm not being mainstream, when I'm not following what most YouTubers are supposed to do. तब मुझे काफ़ी tension आता है ऐसा. And I feel like, just why am I even a YouTuber? Why would anyone click on my video? तो वो भी थोड़ा अजीब बहुत सार है यार. मॉम डैड मैं तीनों लगातार काम किए जा रहे हैं. सो समटाइम्स आई गो क्वाइट के आई वांना जस्ट हैव सम फैमिली टाइम एंड चिल. बट टच वुड, लकी टू स्टिल गेट टू वर्क. यार ऐसा हो जाता ना काफ़ी बार कि जस्ट बिकॉज योर प्रॉब्लम इज स्मॉलर देन अदर्स, यू स्टार्ट फीलिंग दैट योर प्रॉब्लम इज नॉट एक्चुअली अ प्रॉब्लम एंड यू शुड नॉट बी बॉदर्ड बाय इट. बट दैट्स रॉन्ग. यू शुड नेवर जज your arm fracture because someone else is going through a paralysis, right? Your arm fracture is still going to hurt. So वैसा सीन है यार कि I see all these amazing videos and I see people enjoying with their family, but here we're all working literally from the second we wake up till dinner time. काफ़ी बड़ा dinner time पर बाद भी काम करना पड़ता है. तो हो जाता है मुझे FOMO. I just wanna have some nice time. But ठीक है, weekends are for that. चला आता स्टोरी टाइम फिनिश करूँ. I have just learned कि हमको verbal approval मिल गया है, but the written approval is not going to come before tomorrow. And this is something new that I've learned being a YouTuber for almost 4 years now. Okay, without written approval, wait, what is this? I thought ये क्या है? I have learned कि without written approval, never ever to make the videos live and never to like execute any brand deal, to be honest, because I've had like 2 experiences where there have been payment issues and everything. So I like don't risk it whatsoever. So yeah, the story time will come tomorrow. But the good news is that means this vlog will go up today itself. I was thinking कि यार ये vlog मुझे पसंद तो आ रहा है तो आज डालना है, बट आज story time का commitment दे रखा था तो कोई नहीं. The story time you've been waiting for so badly is gonna come tomorrow 99%. And now what is left for me in the day, I'm definitely going to work out after the vlog gets over, like the uploading of this vlog is done. And then for dinner I'm going to have the same sabzi I had in the morning, puriya kakri ki sabzi and with khichdi. Like, I love when food is so simple and so healthy. And bas fir so jaungi. Aaj waise hi kafi hectic day raha hai. Let me know if you enjoy this kind of vlogs. Let me know why you even watch my channel. What is interesting?
but yeah, like I'm having a bit of a crisis कि why would anyone watch a video like this? But मुझे बताना अगर आपको ऐसे random से kind of lacking a little bit of normal YouTuber sense वाले videos पसंद आते हैं तो हमें ये बनाने में बड़ी खुशी होगी because apparently we're good at it and I will see you tomorrow or after with the storyline. ठीक है, I'll see you then. Goodbye. Mom just pranked me. Like you can see कितना अंधेरा यहाँ पे. मैं अभी बालकनी से अंदर आई एंड अंधेरों से वो प्रकट हुई. मैं पूरी ऐसा वाइब्रेट हो गई. वाह ना, मॉम्स आर प्रैंकिंग डॉटर्स इन क्वारंटाइन. अच्छा, आई विश आई वुड हैव गॉट द रिएक्शन ऑन कैमरा, बट कोई नहीं. आई सी यू टुमारो. बाय.